हाय एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पटना का ये न्यू समानांतर गांधी सेतु है जिसका निर्माण का काम अब जो है तेज कर दिया गया है, लेकिन क्या सब बनकर तैयार हो चुका है वो सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, पटना का जो कि न्यू गांधी सेतु समानांतर है, जो कि आपको पुराने वाले जो गांधी सेतु है उसी के बगल में एक चार लाइन का जो है आपको हाजीपुर और पटना को जोड़ने के लिए जो एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि पटना न्यू गांधी समानांतर ब्रिज। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो कि पिलर का ऑलमोस्ट जो है आपको गंगा जी का जो है उसको बीचों बीच में जितने भी पिलर है ऑलमोस्ट जो है काम हो चुके हैं और बस अब इसका जो है लॉन्चिंग का काम जो है अब जो शुरू किया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि पटना और हाजीपुर को जोड़ने के लिए जो कि बिहार के लिए ये लाइफ लाइन, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ये लाइफ लाइन माना जाता है। और ये मैं बता दूं कि ये सबसे पुराना ब्रिज है जो कि भारत का एक नदी पर जो सबसे इतना लंबा स्टील ब्रिज अभी तक कोई भी नहीं, यानी कि भारत का ये दूसरा स्टील ब्रिज है जो कि आपको उसके ये चार, पहले दो लेन था, दो लेन से चार लेन हुआ, चार से सीधे आठ लेन में गाड़ियां इस पर सरपट दौड़ेगी और जाम से जो घंटों जाम की समस्या थी वो अब खत्म होने वाला है, मुक्त होने वाला है। और पटना वासियों के लिए खुशी है कि जो गांधी सेतु का विस्तार किया गया है आठ लेन में, जो कि ये भी एक इतिहास और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक होगा। फ्रेंड, तो पटना अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी जो है समृद्ध हो चुका है, काफी डेवलप हो चुका है। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।